आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज अलवर पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजारों में तिरंगा मार्च रैली निकाली। इस रैली के हॉप सर्कस पर पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में भाजपा व किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता की जयकारों के साथ तिरंगा मार्च रैली में शामिल अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज अलवर पुलिस प्रशासन ने तिरंगा मार्च रैली निकाली। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा लहराने के अभियान के तहत भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव व शहरों में ज्यादा से ज्यादा तिरंगा लगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आज तिरंगा मार्च रैली पर पुष्प वर्षा करने में किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया, मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पप्पू सैनी व जयकिशन सैनी, भाजपा मंडल महामंत्री गोपेश खंडेलवाल, अभिषेक कुमावत, राजेंद्र शर्मा, युवा मोर्चा जिला मंत्री अमित कश्मीरी, मोहित गुप्ता, गोविंद सिंह मानवी, लक्ष्मण प्रजापत, अनिल जाटव, बुल्ले राम प्रजापत, दीपचंद ठाकुर, नीरज अनिकेत वालिया सहित भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे आज़ादी के 75 सालगिरह हम मना रहे हैं 15 अगस्त को इस बार, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे पुलिस लवाजमे के साथ अपने माउंटेड पुलिस बैंड, पुलिस बैंड और अलवर पुलिस के सभी जवानों के साथ आज एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। साथ ही साथ अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इस उद्देश्य के साथ भी आगामी आने वाले त्योहारों में पुलिस की मुस्तैदी प्रशासन के साथ मिलकर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जो है ये मार्च निकाली जा रही है, और सभी लोगों को इसमें जुड़ने के भी प्रयास हम करेंगे।